5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। महोदय, विकासशील देशों में सरकार का बड़ा प्रभाव होता है। जब उन देशों की सरकारें बदलती हैं तो विकसित देशों की तुलना में इन देशों की जनता का कहीं अधिक बड़ा भाग इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यह बात सरलता से देखी जा सकती है। जब विकासशील देशों में चुनाव होते हैं तो वहां भारी संख्या में मतदाता वोट डालते हैं। इसी हिसाब से यदि लोकतंत्री प्रणाली भंग हो जाए तो उससे होने वाली निराशा और परिणाम स्वरूप उस पर से विश्वास उठ जाने की कल्पना की जा सकती है। इस तरह हर जगह राजनीतिक स्थिरता लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। अतः प्रश्न यह है कि चूंकि ब्लॉकों की व्यवस्था के लोकतंत्र को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था या शायद नहीं दिया जा सकता था, फिर क्या आज यह सोचना आवश्यक नहीं हो गया कि सुस्थापित लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रणाली की सफलता के लिए क्या करें जिससे सरकारों का काम स्पष्ट नजर आए और वे हर जगह जन सामान्य के आकांक्षाओं के अनुसार चलें। इस बात का मेरे पास अभी कोई बना बनाया जवाब नहीं है, किंतु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह विषय ध्यान दिए जाने योग्य है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसने एक विकासशील समाज के सबसे निचले स्तर पर काम किया और अनुभव पाया, जिसने महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से उस स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और यह भी एक ऐसे विशाल और विविधता वाले देश में जहां सदियों से कोई भी कार्य सहज ढंग से नहीं हुआ और जहां हमें निरंतर तलवार की धार पर चलना पड़ा है। एक और विषय है जिसमें हमें जिम्मेदारी बरतने की आवश्यकता है, विचार और कार्य दोनों में। इसी भावना के साथ हमें अपने ग्रह पृथ्वी के संसाधनों की देखभाल करनी है। जब हम विकास पथ पर चलने लगते हैं तो हम उन संसाधनों का भी दोहन या दुरुपयोग करने लगते हैं जो वास्तव में केवल हमारे नहीं, केवल हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हैं। मुझे याद है कि 40 वर्ष पहले राज्य का विधायक बनने के लिए चलाए गए चुनाव अभियान में मैंने बड़े उत्साह के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें बनवाने का आश्वासन दिया था। हमने सड़कें बनवाई किंतु वनों से हाथ धो बैठे। महोदय, शायद विकास की समस्या का यह एक सटीक उदाहरण है, एक ऐसे विकास का जो अब तक हुए विकास को तथा उस विरासत को भी सुरक्षित रखे जिस पर उसकी नींव रखी गई। आज के सरल विकल्प कल हमारे लिए पश्चाताप का कारण बन सकते हैं। इसलिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भारत व अमेरिका, हमारे लोग सहयोग कर सकते हैं, ऐसी प्रौद्योगिकियों का पता लगाना है जिनसे दायित्वपूर्ण ढंग से विकास किया जा सके।
माननीय उपराष्ट्रपति जी, 2 वर्ष पहले आपने एक पुस्तक लिखी थी जिसे एक समालोचक ने एक राजनीतिज्ञ का विलक्षण योगदान माना था, क्योंकि वह पुस्तक आपने स्वयं लिखी थी। उसे पढ़ते समय मेरे अंदर न केवल आपकी लेखन शैली के बल्कि आपकी विषय वस्तु के कारण भी रुचि पैदा हुई। उसमें मैंने महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसा दृष्टांत पढ़ा जिसमें मैं पहले परिचित नहीं था। आज उसे दोहराने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि आप मुझे इसकी अनुमति देंगे। आपने लिखा है कि गांधी जी के पास एक महिला पहुंची जो इस बात से परेशान थी कि उसका पुत्र बहुत अधिक शक्कर खाता है। उस महिला ने गांधी जी से अनुरोध किया कि आप मेरे पुत्र को शक्कर की हानियों के बारे में समझाएं। महात्मा गांधी ने ऐसा करने का वचन दिया, पर एक पखवाड़े के बाद आने के लिए कहा। उस महिला ने वैसा ही किया और गांधी जी ने अपने वचन के अनुसार उस लड़के को सलाह दी। माँ ने उसके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, लेकिन वह अपनी इस उलझन को छिपा ना सकी कि आखिर गांधी जी ने क्यों मुझे 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहा। गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से उत्तर दिया, मुझे स्वयं शक्कर खाना छोड़ने के लिए 2 सप्ताह की आवश्यकता थी। हम अब एक ऐसी शताब्दी के समापन वर्षों में हैं जिसने युद्ध की विनाश लीला देखी है, जो मानव की वैज्ञानिक, बौद्धिक और रचनात्मक सफलताओं से गौरवान्वित हुई है, जो कमी और निर्धनता से ग्रस्त रही है, फिर भी जो हमारी सामूहिक क्षमता के बल पर ऐसे समाधान ढूंढने में सफल रही है जो अब तक हमें नहीं मिले थे। हम उन समाधानों को मानते हैं, परंतु किसी और को उन्हें अपनाने के लिए कहने से पहले हमें गांधी जी की तरह उन पर पालन करने के लिए कम से कम 2 या 3 सप्ताह का समय लेना पड़ेगा। उनकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप में नियमित कर दिया जाए, उन्हें बिजली तथा पानी का कनेक्शन मिले, राशन कार्ड मिले, यह मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन उस बात को बीते 1 महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग इन 1210 बस्तियों में परेशान हैं, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है।